नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है हिमाचली ब्लॉगर सरोज। तो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घर में सब ठीक होंगे। तो गर्मी ने ना बेहाल करके रखा है। एक दिन जब थोड़ी सी हवा तूफान आंधी चली थी तो मौसम जो है थोड़ा ठीक हो गया था, लेकिन दोबारा से अब वैसी ही गर्मी हो रखी है। तो गर्मी में सब लोग अपना ध्यान रखिएगा, खूब सारा पानी पीजिएगा और जो भी लिक्विड चीजें हैं उनको ज्यादा लीजिएगा। और आज की ब्लॉग में जो है बहुत कुछ है, तो उसको देखने के लिए जो है आप बने रहिए। पहले सबसे पहले जो मैंने ब्रेकफास्ट बनाया था यम्मी सा और हेल्दी सा, उसकी जो है रेसिपी भी नहीं बोल सकते वैसे, उसके वो जो है मैंने आपके साथ शेयर किया है। और उसके बाद जो मेरे बर्थडे गिफ्ट्स हैं ना, वो मैं आपको आज आप दिखाने वाली हूँ, क्या मैंने खुद लिया था और क्या मुझे गिफ्ट में मिला, वो आपके साथ शेयर करूंगी इस ब्लॉग में। तो बने रहिए मेरे साथ। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे बन रहा है यम्मी सा हेल्दी सा ब्रेकफास्ट। ये है लौकी और लौकी को करती हूँ मैं ग्रेड। और इसका जो है ना मैं आज बनाने वाली हूँ परांठा, बोल सकते हो आप, चिल्ला बोल सकते हो। तो अगर आप वेट लॉस कर रहे हो ना तो ये सबसे बेस्ट और हेल्दी रेसिपी है। और बस जी, यहाँ पे मैंने लौकी डाल दी है इसमें, एक प्याज डाला है। आप चाहे टमाटर और सब्जियाँ वगैरह ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन ये स्पेशल लौकी का ही बन रहा है। तो इसमें सिर्फ लौकी और एक प्याज मैंने ऐड किया है, और बेसिक मसाले जो हम रोज़ रेगुलरली यूज़ करते हैं वो मैंने ऐड किए हैं। तो इसका जो है घोल सा बना के जो है हमें बिल्कुल चिल्ले के जैसे इसको बना लेना है। ये बहुत ही यम्मी बनता है। और यहाँ मैंने ये नॉन स्टिक पैन पे बनाया है, तो हल्का हल्का ऑयल मैंने लगाया था इसमें, लेकिन ऑयल देखिए आप साइडों में ऐसे ही रह गया है। और सच में बहुत ज़्यादा जो है ये टेस्टी बनता है। जिसको भी लौकी जो है ना बोरिंग लगती है ना खाने में, अच्छी नहीं लगती है, तो इस तरीके से आप उसको ट्राई कर सकते हैं। इसके बैटर में जो है थोड़ा आटा है, थोड़ी सूजी है और थोड़ा सा है बेसन, बस उसी का जो है मैंने ये बनाया है। तो डियर फ्रेंड्स, देखा आपने लौकी का जो है बहुत ही यम्मी सा जो है ब्रेकफास्ट मैंने आपके साथ शेयर किया है। बहुत सारे लोगों को जो है ये लौकी की सब्जी अच्छी नहीं लगती है, मेरे बच्चों को भी कई बार पसंद नहीं आती है, तो इस तरीके से जो है मैं बना के उनको दे देती हूँ तो वो जो है आराम से खा लेते हैं। वैसे लौकी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है, हेल्थ के लिए इसका जो जूस होता है वो भी हमारे लिए जो है बहुत ही अच्छा होता है। तो ये तो होगी कुकिंग से रिलेटेड बात। तो अभी जो है 26 को था मेरा बर्थडे, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे अपनी ढेर सारी विशेस दी थी, यूट्यूब में भी और फेसबुक में भी और इंस्टाग्राम में भी। तो मैं सबसे पहले उन सब लोगों का जो है बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे विश किया था, और जिन्होंने नहीं किया था उनको भी इट्स ओके, उसमें क्या है, किसी लोग को कईयों को तो जो है पता ही लेट लगा, तो कई तो नेक्स्ट डे जो है 27 को भी मुझे विश कर रहे थे। तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद उस चीज़ का। और अभी जो है मैं आपको दिखाती हूँ अपनी ड्रेसेस। जैसे जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे ना, उनको पता है कि मैं अपने बर्थडे के लिए जो है स्पेशली दो ड्रेसेस बनाती हूँ, और मैं खुद अपने आप बनाती हूँ। और इस बार जो है ना मैंने अपने लिए एक वेस्टर्न ड्रेस ली थी जो कि मैंने डाली नहीं है। आपको पता है वो हस्बैंड, जब हम बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे हस्बैंड के साथ जब मैं होंगी, वो मैं वो वाली ड्रेस में पहनूंगी, लेकिन आप लोगों को पहले दिखा देती हूँ वो। तो इस बार जो है ना मैंने ब्लैक कलर की ड्रेस अपने लिए ली है, गाउन है। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरह का है ये, और ब्राइट सी इसकी लुक है। और बैक में जो है इसकी जिप है, चेन लगी हुई है पीछे, और जब मैं पहनूंगी फिर तो आपको जो है दिखा ही दूंगी इसको। वैसे मैं मुझे था कि मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर कर दूं, पार्टी वियर जो है ड्रेस है ये। और सेकंड में आपको अभी दिखाती हूँ, और दूसरा जो है ये है मैरून कलर में, तो इसको आप क्रॉप टॉप भी बोल सकते हो। ये शॉर्ट में है, ये प्लाजो के साथ और जीन्स के साथ दोनों के साथ ये चल सकता है, बहुत ही अच्छा है ये भी। इसमें जो है ना ये कैमरे में बहुत ज्यादा ब्राइट लग रहा है, लेकिन इतना ज्यादा ये है नहीं। और वैसे भी बहुत सारे लोगों को ना मैरून और रेड कलर पसंद नहीं आता, लेकिन मुझे जो है मैरून और रेड कलर बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद है।
दोस्तों ये तो थी मेरी ड्रेसेस, और एक एक चीज जो है मैंने आपके साथ पिछले ब्लॉग में शेयर कर दी थी, वो थी महादेव की छोटी सी मूर्ति, जो कि स्पेशली मैंने अभी तो मंदिर में रखती है, लेकिन वो मैं अपनी गाड़ी में लगाऊंगी, और जब हस्बैंड आएंगे तो हम उसको जो है गाड़ी में लगा देंगे। और एक गिफ्ट है ये, जो कि मेरे बच्चों ने मुझे दिया है, महादेव वाला भी बच्चों ने दिया है और ये वाला भी। तो ये देखिए मग, तो ये ना पेयर है, दूसरा भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मिस्टर एंड मिसेज, तो ये जो है व्हाइट क्रीम कलर का है और ये है पिंक कलर का। तो इसमें कैमरे में कलर इसके भी कुछ अलग ही आ रहे हैं। तो मेरे बर्थडे पे जो है हस्बैंड को भी गिफ्ट मिल गया है वैसे, तो इस तरह का इसका जो है कैप है। मुझे ना मग का जो है बहुत ज्यादा शौक है, तो मग वगैरह मैं काफी इकट्ठे करके रखती हूँ। और ये था बच्चों की तरफ से, और उसके बाद आपको पता है कि मेरी फ्रेंड ने आके भी मुझे सरप्राइज दिया था बर्थडे पे, तो वो भी मेरे लिए जो है लेके आए थे गिफ्ट्स, वो मैं भी आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले तो उसमें ये है बैंगल सेट, ये देखिए गोल्डन गोल्डन स्टोन्स में है, और गोल्डन कैसा है ना, तो ऑल ओवर किसी भी ड्रेस के साथ जो है ये चल जाता है, तो बहुत प्यारा है ये भी। और उसके बाद जो है ना वो लेके आए थे इयररिंग्स, तो ये देखिए ये वेस्टर्न ड्रेसेस के साथ है। तो इसको मैं बोल रही थी ना, आपने सुना ही होगा पिछले ब्लॉग में जब वो मुझे दे रहे थे कि ये मेरी जो नई न्यू ड्रेस है उसके साथ ये बहुत प्यारा लगेगा, तो जब भी मैं वो ड्रेस वियर करूंगी ना तो इनको जरूर पहनूंगी उसके साथ। और सेकंड में जो है ये है, ये भी इयररिंग है, तो ये भी बहुत ही प्यारे हैं मस्टर्ड कलर में, मस्टर्ड और सिल्वर, तो ये डेली वियर के लिए है। और थर्ड में है ये देखिए झुमके, तो मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरे पास ना झुमके सेट जो है बहुत सारे हैं, क्योंकि मुझे इस तरह के झुमके जो है बहुत ज्यादा पसंद है, और ये वाले भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जो ये वाले हैं ना ये मैं फर्स्ट टाइम वियर करूंगी, इतने बड़े बड़े जो है मैंने अभी टॉप्स वियर नहीं किए हैं, और मैं थोड़ी देर के लिए ही जो है आर्टिफिशियल वियर कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे कानों में जो है इचिंग वगैरह होने लग जाती है, लेकिन जैसे होता है ना ओकेजनली आप थोड़ी देर के लिए कहीं जाते हो तो अच्छे लगते हैं, काफी अच्छी लुक जो है इनसे आती है। तो ये थे मेरे प्यारे प्यारे से गिफ्ट्स, आपको कौन सा गिफ्ट इनमें सबसे ज्यादा अच्छा लगा आप जो है कमेंट करके मुझे जरूर बताना। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी जो मैंने शॉपिंग करी थी वो, और जो मेरे गिफ्ट्स थे छोटे मोटे वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किए हैं। आई होप आपको जो है पसंद आए होंगे, और जो भी आपको चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगी ना आप जरूर कमेंट करके बताना कौन सी चीज आपको जो है ज्यादा अच्छी लगी। और अभी ना वीडियो की एंडिंग भी मैं यहीं पे कर दूंगी, आई होप आपको जो है मेरा ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं, तो उनको लाइक शेयर जरूर कीजिए फ्रेंड्स, और फर्स्ट टाइम अगर आप विजिट कर रहे हो मेरे चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए बेल आइकन के साथ, बेल को ऑल पे सिलेक्ट कीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले, आपको जो है मेरा चैनल सर्च ना करना पड़े। तो अभी वीडियो की एंडिंग में यहीं पे कर दूंगी, क्योंकि गर्मी से जो है मैं होगी हूँ बेहाल, बिना फैन करके जो है ना वीडियो शूट करना आज के मतलब गर्मी के टाइम में बहुत बड़ा रिस्क है। तो अभी मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर योर लवली सपोर्ट, बाय बाय।